आज ठाई पासे जिस कष्ट आत्म बलिदान माध्यम भारत निर्णय मालगुदाम श्रमिक संघर जी उद्देश्य सिद्धि हम गई आज बिहू महोत्सव चल रहा है पूरे आसाम में, रमजान का महीना ईद भी कल है, लेकिन आप सभी लोग अपने घर छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के जैसे ही पता चला कि राष्ट्रीय प्रभारी जी आए हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप लोग कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर, अलग अलग क्षेत्र से 500 किलोमीटर से आप यहाँ तक पहुँचे, ये कितनी बड़ी ताकत हमारी, ये दिखाता है कि आप अपने परिवार अपने संगठन के प्रति कितने सजग हैं। आप चाहते हैं कि हमने जो सपना दिखाया है, हमने जो काम किया है, अपने संगठन को मजबूत किया है। भारत का पहला हमारा संगठन है जिसका कि दो बार त्रिपक्षीय बैठक हुआ है, एक 2003 में जिसमें हमको कुछ बुनियादी सुविधाएं और पहला बार सब मिला था, दूसरा हमारा 23 मार्च को 2021 में हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारत के श्रम मंत्रालय ने एक पक्ष में पूरी तरीके से निर्णय लिए और उन्होंने कहा कि माल गोदाम के जो मजदूर हैं उनकी समस्याएं, उनका हक अधिकार जो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ इस बैठक में रख रही है वो बिल्कुल जायज है और माल गोदाम के श्रमिकों को उनका सारा हक अधिकार मिलना चाहिए। और उन्होंने रेलवे से कहा था कि आप इसके लिए विशेष रूप से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का इनको समान काम समान वेतन के तहत अधिकार मिले, इनका जो बाजी वेतन मांग है, जो इनकी मजदूरी बनती है, ये इन तक पहुंचाने का काम करें। उस समय उस बैठक में आदरणीय रेल मंत्री भी उपस्थित नहीं थे, रेलवे के कई अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मांगों के साथ सहमत हूं और हमारा जो पॉलिसी मेकिंग करने का जिनको अधिकार है, कंपोनेंट अथॉरिटी है, उनके साथ बैठक कर करके इनकी जितनी भी मांगे हैं, जो हक अधिकार है, उसको भारतीय रेल पूरा करने का काम करे। तो हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक हमारे देश के श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय रेल मंत्री महोदय के साथ होना है और इस जो हमारा मांग है, जो हमारे मजदूरों को वेतन मान तय होना है, जो हमारे मजदूरों को बाजी उसका मजदूरी निर्धारण करना है, उसके लिए बोर्ड का एक गठन होना है। उस बोर्ड का गठन हमारे श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय रेल मंत्री महोदय की उपस्थिति में होगा। इन सभी बातों से माननीय श्रम मंत्री जी को सभी बातों से अवगत कराने के लिए हमारे साथ आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, भूपेंद्र यादव जी के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उस बैठक में आसाम से भी दो प्रतिनिधि शामिल हुए, धर्म कुमार डेका और पंचानंद, बंगाल से भी कुछ लोग उपस्थित हुए थे। भारत के संसदीय समिति जो होती है उसमें महत्वपूर्ण समिति में से एक महत्वपूर्ण समिति होती है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट समिति, जिसके चेयरमैन अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं और मेंबर उनके अलग अलग लोकसभा को प्रोड्यूस करने वाले, राज्यसभा को प्रोड्यूस करने वाले अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके मेंबर होते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस संसदीय समिति अध्ययन दौरे पर आदरणीय जगदम्बिका पाल जी के साथ पूरी कमेटी के साथ मुझे जाने का मौका मिला और देश के अलग अलग क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांसद के साथ एक लंबे समय तक वक्त गुजारने का मौका मिला। आपके नाम जो देश के मंत्रालय में, देश के संसद में जो लगातार चल रही है हमारी बैठक, उस बैठक में आपको मजबूती देने के लिए, आपके डिमांड को पूरा कराने के लिए उन सभी लोगों ने हमारे देश के सबसे बड़ा महापंचायत में, देश में कानून निर्माता के रूप में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन सभी लोगों ने मुझे आश्वस्त किया कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे संसद में हो, चाहे देश के रेल भवन में हो, श्रम शक्ति भवन में हो, हम सभी लोग आपके संगठन के साथ रेलवे माल गोदाम के शोषित पीड़ित मजदूरों के हक अधिकार के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं आपके माध्यम से उनको हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। अभी बिल
पेश हो रहा था आपके लिए चार लेबर कोड जब पेश हो रहा था उस समय आपके संगठन के संरक्षक आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने जिस तरीके से आपके हक अधिकार की बातों को रखा और उसका लाभ आज आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि संगठन आपकी किस स्पीड धारा में काम करने का काम कर रहा है। सब कुछ हो गया, बस एक निर्णायक बैठक हो सकता है 1 घंटा के अंदर श्रम मंत्रालय से फोन आ जाए कि आपका मीटिंग इतनी तारीख हो गया, उसी दिन आपका काम हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं है। लेकिन आपको बहुत कुछ करने का जरूरत है, आपको कमिटी अच्छे तरीके से फाइल करना है। इसलिए हर एक व्यक्ति को संगठन के हितों को ध्यान में रख करके हमने बहुत बड़ी लड़ाई कुर्बानी दे करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अंतिम पड़ाव है। अब हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी, उसके बाद निर्णायक भूमिका में हम होंगे और हमारे मजदूर जो 1998 से और पता नहीं कितने सदियों से लोग सोचते होंगे कि मेरा भी कल्याण होगा, वो कल्याण होने का उनको सपना पूरा होने का समय आया है। तो मैं अंतिम समय में ये कभी नहीं चाहूँगा कि किसी एक व्यक्ति के कारण किसी भी प्रकार का वो विघ्न उत्पन्न होने का काम हो, उस सारे विघ्न को हम लोग सब कुछ ठीक करने का काम करेंगे। अभी सामूहिक बैठक के बाद हम लोग एक बैठक आपस में पदाधिकारी राजखोवा जी के साथ, पंकज जी के साथ, तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ भी कुछ हम लोग बैठक करेंगे, कुछ निर्णय लेंगे कि हम लोग को कैसे हमारा रिपोर्ट भी जल्द से जल्द सबमिट हो। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रेल मंत्री महोदय और श्रम मंत्री महोदय जी के साथ बैठक है, सारा लेटर वहाँ गया हुआ है, किसी भी समय ऑफिशियल मुझे सूचना आ सकता है कि इस डेट में आपका बैठक तय हो गया। हमने लगभग अपने सभी पदाधिकारी का लिस्टेड भी कर लिया है कि कौन कौन लोग हम चाहते हैं कि वो ऐतिहासिक पल में, हमारा ऐसा कोशिश है, विभाग कितना लोगों को आदेश देगा वो तो अभी आगे पता चलेगा, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हमारे हर स्टेट से हर जोन से कम 5-6 लोग जो है उस ऐतिहासिक बैठक में शामिल हों ताकि उनको भी इतिहास में एक गवाह बनने का मौका मिले, वो भी अपने बच्चों को कभी बता सके, इतिहास के पन्नों में उनका भी नाम आए कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जब हक अधिकार मिला तो उस बैठक में, उस भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण बैठक में कितने लोग उपस्थित थे। तो मेरा कोशिश है कि कम से कम 100 लोग पूरे देश से हमारे उस बैठक में हमारे संगठन के तरफ से उपस्थित हों। सरकार जितना आदेश देगी उसका पालन करना है, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें उपस्थित हों। हम सभी लोग का एक ही सपना है कि जो सपना हमने अपने माल गोदाम के मजदूरों को दिखाया, अपने लोगों को दिखाया है कि तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा, तुमको भी रेलवे में कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, आज जो तुमको नमक रोटी का भी लाले पड़ रहा है, तुम्हारी बुनियादी सुविधाएँ नहीं है, एक समय ऐसा भी आएगा जब देश में सब लोग तरसेंगे कि रेलवे माल गोदाम के काश हम भी कर्मचारी होते, तुम्हारे 160 साल के खून पसीने की कमाई को तुम्हारे आने वाले जनरेशन, तुम्हारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो, ये सपना हम सभी लोगों के दिलों में आंखों में लेके चल रहे हैं। जब सपना एक है तो किस प्रकार का मतभेद, आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम आते हैं यहाँ तब तो चार्ज रहता है एक महीना तक, जब मैं चला जाता हूँ धीरे 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 डाउन हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, हमेशा उसी जज्बे के साथ काम करना होगा। वो एक कि किसी का ठेका नहीं लिया है कि हाँ धन काम करा तो वही करेगा, राजखोवा जी कर रहे तो वही करेगा, आपका हर एक व्यक्ति का दायित्व है, आप सही तरीके से काम करेंगे तो नीचे से जब सब कुछ सही रहेगा तभी ऊपर तक बेहतर बेहतर होते चला जाएगा, है ना। इसलिए मैं आज आया हूँ कि जो आपको जिम्मेवारी दी जा रही है उसको एकदम ईमानदारी को लगन पूर्वक हर माल गोदाम में कल से विजिट करना है, बिहू भी मनाना है और ड्यूटी भी करना है ना। उस माल गोदाम का रिपोर्ट आपको एक सप्ताह तक भेजना है ताकि भारत, यहाँ तक चेयरमैन साहब ने मुझे कहा देश का सबसे बड़ा रेलवे का एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके इन सभी चीज़ों के लिए मैं स्पेशल फंड जनरेट कर करके भेजूंगा और आपका जितना भी समस्या उसको समाधान करने का काम करूंगा। ये कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। अब आप रिपोर्ट सबमिट करें ताकि हम उसको चेयरमैन महोदय को सबमिट करें और वो सब कुछ आपको धरातल पर लागू होने का काम करें।